कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। तो कथा सुधा कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी से। कौशिक जी की गणना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलेरी जी के समकक्ष की जाती है। 1899 में अंबाला में जन्मे कथाकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। अधिकांश कहानियां चरित्र प्रधान हैं। पात्रों के चरित्र निर्माण में मनोविज्ञान का सहारा लिया है। उनकी कहानियों के पात्र यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं, जो पारिवारिक जीवन की समस्याओं से जूझते हैं और उनके समाधान भी पाते हैं। मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती इनकी कहानियां कहीं न कहीं हृदय को छू जाती हैं। आज कथा सुधा में हम इनकी जो कहानी लेकर आए हैं वो है ताई। कौशिक जी की लिखी कहानी ताई भाव प्रधान कहानी है, जो कि ताई रामेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक स्त्री के जीवन और उसके स्वभाव की विविधताओं को घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। ताई कभी रूढ़िग्रस्त महिला के रूप में उभरती है तो कभी निसंतान माँ के दुख को ढोती हुई दिखाई देती है, कभी ईर्ष्या और घृणा की साकार प्रस्तर प्रतिमा बन जाती है तो कभी ममता के सागर में डूबती दिखाई देती है। तो आइए कहानी ताई संग हम भी भावनाओं के इस सागर में गोते लगाएं। कहता हुआ एक पंचवर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुनी को भी ले जाएंगे। अच्छा बाबू जी को नहीं ले जाएंगे? क्यों? वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते हैं ना। ताऊ जी तुम डालोगे तो तुमको ले जाएंगे। और किसे ले जाएगा? बस और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय तक कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वो भाव अच्छा न लगा, अतएव वो बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई जी ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, अच्छा सुन, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? ताई हमें प्यार नहीं करती। जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वो प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा के ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो रामेश्वरी, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। तुम ही रेल पर बैठकर जाओ। मुझे ये सब तुम्हारी चुहलबाजी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मुझे नहीं जाना है।
प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूमकर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? अरे लग जाती तो अच्छा होता, और वैसे क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही मेरे ऊपर डालते हैं और आप ही ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं? और नहीं तो क्या, और किसे कहते हैं? अब तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सोचता ही नहीं। अब न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की तो परवाह ही नहीं, बस अपनी चुहल से काम है। क्या कह रही हो? अरे भाई, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। तुम्हारा हो जाता होगा, और होने को होता है। हाँ होता है, अरे मगर वैसा बच्चा भी तो हो, और फिर भला पराए धन से भी कहीं घर भरता है। यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बातें बनाना बहुत आसान है, अब तुम्हारा भतीजा है तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे तो भाग ही फूटे, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। और तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है भाई, आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम, रात दिन ये भाई भतीजों में मगन रहते हो बस। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, अब जो भाग्य में ही नहीं है वो पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा तो ये अटल विश्वास है। हाँ, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले, भला बताओ? सब विश्वास पर ही न बैठे रहें, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे, प्रयास करे। तुमसे बात करना भी ना। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वो स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी निःसंतान हैं। कृष्णदास के दो संतानें हैं, एक पुत्र वही पुत्र जिससे हमारे श्रोता परिचित हो चुके हैं, और एक है कन्या। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास जी से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं। परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वो दिन रात संतान की ही सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी
हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी मां के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, सुनो, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। अब तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। अरे हाँ, अब देखो, उस दिन उस पंडित ने कहा था ना कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। हाँ, उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन रहते हो, और तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। अब आदमी उपाय तो करके देखता ही है ना, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। रामेश्वरी, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं, तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है, और ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। क्या बात है, पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में भाई जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। अब वो झूठा तो सब शास्त्र भी झूठे हैं ना। कैसे समझाएं? अरे जरा सा अंग्रेजी क्या पढ़ ली, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं है। अच्छा, जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आ रही हैं, उन्हें भी झूठा बताते हैं आप तो। तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही हांके जाती हो। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हाँ हाँ, ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। सब झूठे ही हैं, बस तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूँ तुमसे, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। कुछ देर वो चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो। परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है ना। फिर वही रट लगाते हो। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से आ रहा है ना। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला ये बताओ, हाँ जरा सोच के बताना, ये बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? अरे क्या रामेश्वरी, तुम भी कहां की तुच्छ बातें ले आई। अच्छा ये तुच्छ हो गई बात। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपने अच्छे कर्मों से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे हुए कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हुए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान के बदौलत चल रहा है? बड़े ज्ञानी हो गए। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकर्मों से नाम तो बढ़ता ही है, घटने की आशंका रहती ही नहीं। अब हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनकी संतान थी? नहीं। पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। भाई मेरे छोटे दिमाग में ये सब कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना जानती हूँ कि शास्त्र में लिखा है जिनके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है। अब ये मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। इस पर रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो।
बहस करना बेकार है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम ना आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वो वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वो अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में ये विचार नहीं कर लेता कि वो वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान और अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है पर उसको सींच कर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं, इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती थी जब वो ये देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। कथा सुधा के अगले भाग में हम जानेंगे कि भावनाओं के सागर में गोते लगाती इस कहानी में क्या होता है। क्या ताई के शुष्क हृदय में ममता रूपी प्रेम का दीपक जलेगा? सुनिएगा अगली कड़ी में। कथा सुधा के प्रथम अंक में आज आपने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है: ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।